लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, आप सब अपना परेशानी हमको बताओ, हम हाई कमान से बात करके सबका परेशानी दूर करवाएंगे। हर रोज सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं, उनका बारे में कुछ कीजिए। ठीक है दोस्त, 10 से 11 बजे तक एक एक घंटा बैठा करो। थैंक यू अध्यक्ष जी। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के बीच में ज्यादा दूरी बा दोस्त, तो दोनों एक एक कंपाउंड में लगवाते हैं ना, मजा आएगा। बॉयज हॉस्टल में बैठ के खाए में मजा ना आता है, तो लड़कियों के हॉस्टल में ही खाना भिजवा देते हैं। मतलब सबके लिए एक जैसा खाना। आज नई फिल्म रिलीज हो रही है, यदि हॉलीडे डिक्लेयर कर देते तो अच्छा होता। सुनो दोस्तों, अपना कॉलेज लेबोरेटरी का फैन खराब हो गया है, यही से हम आज स्ट्राइक करेंगे। बाकी हमारे कॉलेज में लेबोरेटरी तो नहीं है। तो दोस्तों हमारा मुद्दा है, अपने कॉलेज में लेबोरेटरी है ही कहाँ, कॉलेज चलाने वाला सब गायब कर दिया। यही से जब तक लोग लेबोरेटरी वापस नहीं करते, हम लोग स्ट्राइक करेंगे स्टूडेंट यूनियन। रुक जा। अरे एक दो बार नारा लगाने को बोलो ना। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। रुक जा, आखिर तुम लोग स्ट्राइक काहे कर रहे हो? देखो दोस्त, हमारे स्टूडेंट चेयरमैन नागराज जी हमारे कॉलेज के लेबोरेटरी गायब कर दिए हैं, ये बात को हम बताना चाहते हैं। काका, हमारे कॉलेज की लेबोरेटरी गायब हो गई है? हाँ। हम लोग कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? लॉ कॉलेज में। लॉ कॉलेज में लेबोरेटरी होती है का? दोस्तों, ओपोजिशन कैंडिडेट नागराज जी हमारी बहुत बेइज्जती किए हैं, यही से वॉकआउट कर रहे हैं। जा सटक ले। ए, इको तो कोई काम नहीं है, तुम्हारा पास भी कोई काम नहीं है का? निकलो। अरे कहाँ जा रहे हो दोस्तों, रुको रुको। अपने ओपोजिशन कैंडिडेट नागराज जी हमसे जलते हैं कि कहीं हम MLA बन के, MP बन के, फिर CM बन के प्रधानमंत्री न बन जाए। अब हम कल तक के लिए सभा बर्खास्त करते हैं। चलो चलो, अब ठीक है ना? और आज हम आप लोग का IQ टेस्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। मे आई कम इन? कम इन। ओके, कम टू द पॉइंट। मेन पॉइंट तो यहाँ है, बाकी के पॉइंट का क्या करना है सर? साइलेंस प्लीज। ए भाई, तू डेली कॉलेज का है आता है? टाइम पास खातिर। ओहो, और तुम लड़कियों को लाइन मारने वाले को देख रहे हैं? ओहो, तो जरा वहाँ देखो। ए, तुम तो बिल्कुल ही ऐश्वर्या राय दिखती हो। थैंक यू। हमको ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है। यू लुक लाइक सलमान। आए हाय, का बोली हो? बट आई डोंट लाइक सलमान खान। हंसते का सलमान खान बोली हमको? बढ़िया कवर कर रहे हो भाई। अबे वो तो किताबी कीड़ा बन गवा है। सलमान का कीड़ा है का?
अरे किताब छोड़ा हो और एंजॉय पे ध्यान दो। देख रहे, पढ़ाई के समय पढ़ाई और एंजॉय के समय एंजॉय करना चाहिए। बाकी पढ़ने के समय एंजॉय किया ना, तो एंजॉय के समय पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? एक को शब्द नहीं समझे। अरे काहे लिए इतना पढ़ाई करते हो? चश्मा लगाना तो लड़कियां देखेंगी भी नहीं। ये अच्छा रहेगा। अरे भाई, बलखा के बहने वाली नदी और चमकती हुई मछली को देखकर तुमको कैसा लगता है? भून कर खाने का मन करता है। सत्यानाश। हमरी ड्रेस कैसी है? बहुत बढ़िया। अच्छा है। सच्ची में आपको पसंद आया? ठीक है ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, नंबर 6 प्रकाश नगर बेगमपेट। ठीक है, बाय। लड़कियन को देखकर लार मत टपका। ए, सिर्फ किसी का शरीर है खूबसूरत नहीं होना चाहिए, इंसान का दिल भी खूबसूरत होना चाहिए। जाना तो लड़की कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जब उस सामने से आए ना तो दिल में घंटी बजनी, आसमान में बिजली कड़कनी चाहिए। उसका बाद यहाँ भारी बारिश होगा। मुंह सड़ाए बातें तो अच्छी क्या कर? मीटिंग खत्म करते हैं। का तुम लोगों के दिमाग में भी घंटी बजा था? हमको तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम लोगों को सुनाई दिया? अरे इसके दिल में घंटी बज रहा है, हमको कैसा सुनाई देगा? अबे हम पे बिजली गिरी है का? शायद बारिश के मौसम बना यही खाता। मंदा भाई योर ऑनर, समाज सेवा करे वाली हमारी क्लाइंट को जिस्म बेचने वाली कहना बिल्कुल ठीक नहीं है और इस बात का कोनो ठोस सबूत भी नहीं है। यही से कुमारी मंदाबाई को कोर्ट से बाइज्जत बरी करे के हम अपील करते हैं। मंदाबाई पर देह व्यापार का आरोप है जिसका कोनो सबूत पेश नहीं किया गया, यही से उन पर लगाए गए आरोप को कोर्ट खारिज करती है। थैंक यू जी, आपका कर्जा मैं उतार दूंगी। सर, सर हमारे बेटे ने आपसे ईबुक लाने को कहा था, अगर आप देंगे तो सोमवार को लाके लौटा दूंगा। कृष्णमूर्ति, तुम्हारी दूठो बेटी है, अपने बेटा को बीए पास करते ही कोनो नौकरी पर लगा देते तो भी कुछ न कुछ कमा लेता। तुम इतना मेहनत करके खर्चा करके उसको लॉ पढ़ा रहे हो, आज कुछ लॉयर के पास काम है तो कुछ लॉयर के पास काम नहीं है। लॉ करके भी वो सिर्फ एनओसी सर्टिफिकेट बनाएगा और 100-200 कमाएगा, उसका जिंदगी खराब मत करो। सर, कोर्ट में यदि एक तरफ आंख पे पट्टी बांध न्याय की मूर्ति है तो दूसरा तरफ इंसाफ की छड़ी पकड़ के हम खड़ा हूं। अपना कोर्ट से कई बेगुना बाइज्जत बरी हो गया तो कई बेगुना सजा भुगत रहा है। इस सब की वजह केस लड़े वाले वकील की बेईमानी बा। हमरा बेटा पैसा कमाए इकेले उसको ला नहीं पढ़ा रहा हूँ। सर, हम ला इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमरा बेटा पढ़ाई करने के बाद इंसाफ की बचा सके, वो इंसानियत की रक्षा कर सके। सर, अन्नपूर्णा नागराज आया का? अभी ना जी। इलो, उसके लिए कपड़ा लाया हूँ, अंदर रख दो। बेटी के लिए कपड़ा लाने को कहा था, बेटे के लिए ले आए। वो कॉलेज जाने वाला लड़का है। लड़के की पढ़ाई जितना जरूरी है, लड़की की शादी भी उतना ही जरूरी है। बेटी की सगाई नजदीक आ रही है, भूल गए का? हमारा बेटा जहाँ पढ़ रहा है वो ला कॉलेज है, वहाँ के बाकी सब बच्चे अच्छे कपड़े पहन के आए और वो प्यून का बेटा है, यही से अच्छे कपड़ा नहीं पहन सकता है, ये उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अम्मा, सगाई के दिन वैसे भी हमको नई साड़ी मिलने वाली है ना, उससे हमारा काम हो जाएगा। चलो अब रहने दो, तुम भी पापा को ही सपोर्ट कर रही हो। वो आ गया, उसके सामने कुछ मत कहना। भैया, पापा तुम्हारे लिए कपड़ा लाए हैं। अरे कपड़े तो तुम्हारे लिए लाना चाहिए, हमारे खातिर काहे ले आए? हमरा शादी में नया कपड़ा नहीं पहनना। ईका, आप तो सफेद पैंट और काला कोट ले आए,
ये तो लॉयर की ड्रेस है ना? का पापा, अभी तो हम लॉ से पढ़ रहे हैं। हम तुमका वकील के रूप में देखना चाहते हैं। एक बार पहन लो, जाओ इका पहन के आओ, जाओ। फोटो लेते हैं। पापा आप भी आई ना साथ में? माँ आप भी आई ना? दीदी आप भी जाओ। स्माइल, रेडी, स्माइल। हाय बेबी। बाय डैडी। पैर में पट्टी कैसा? कुछ नहीं डैडी, कॉलेज में पहला दिन है, लड़का लोग जरूर रैगिंग करेंगे, इसीलिए पैर में पट्टी बांध के जाएंगे तो सिंपैथी तो दे ही देंगे। वेरी गुड, कैरी ऑन। सर कैसेट रेडी बा। बढ़िया, एक कैसेट ले जाके चैनल को दे दो, आज ही टेलीकास्ट होना है। ओके। हाय बेबी। फिर भी खुद को ऐश्वर्या राय समझती है। अरे भाई उधर तो देख, ड्रीम गर्ल। एक दिन ऐसा गोली को बढ़ाएंगे, हम दोनों मिल जाएंगे, फिर शादी मनाएंगे। अरे अरे संभाल के उतरा, अरे संभाल के पैर रखिए आराम से। आशा निराशा सब भगवान परीक्षा लेता है, आजा हमारी बाहों में तुम्हारा इंतजार है। भगवान पल पल परीक्षा लेते हैं। हाँ चेहरा कितना सुंदर है, लेकिन पांव सही नहीं है। अब बेचारी लड़की डिस्को कैसे जाएगी, डांस कैसे करेगी, योगा भी नहीं कर सकती, बेचारी किसी काम की नहीं। ऐसी लड़की से कोई लव नहीं करेगा, लेकिन हमारे जैसा सिंपल लड़का इसके ऊपर रैम खा के प्यार कर सकता है, लेकिन शादी नहीं करेंगे। शर्म नहीं यार, बेचारी हैंडीकैप लड़की को सता रहे हो। अरे बाप रे, तुम भी इस पे ट्राई कर रहे हो। हम भी लड़कियों को सताते हैं, अगर तुम लोगों को सताना है तो घमंडी और बदमाश लड़कियों को सताओ, बाकी ऐसी फिजिकली हैंडीकैप लड़की को नहीं सताना चाहिए। मैडम तुम जा सकती हो। गुरुजी बोल दिया तो जा। थैंक यू जी। यू वेलकम। हाँ गुरुजी, तुम तो हैंडीकैप को नहीं सताते हो, खाली घमंडी लड़कियों को सताते हो, ये तो सबसे तेज है। हाँ हाँ दोस्तों बस आ गया, चल चल चल। हाँ चल चल। अरे छोड़ दीजिए ना, बेल बज जाएगा। नहीं बजेगा। टाइम हो गया है। नहीं हुआ। हम कहे ना छोड़िए। नहीं बजेगा। आप लोगों को कैसे पता? बेल यहाँ है, तुम वहाँ कैसे बजेगा? कैसे बजेगा? हटो हटो यहाँ से हटो। एक क्लास में जाएगा बजाए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सर बेल बजाएंगे। बेल नहीं बजी? हाँ सर। प्यून प्यून। सर बोली सर। बेल क्यों नहीं बजाई? सर बजाया था सर। नहीं बजाई सर। सर सर बजाया था सर। नहीं बजाई सर। ए जाओ जाकर बेल बजाओ। जा थे सर। ओहो तो ये तुम्हारी करतूत है, बेवकूफी काहे करते हो, इस तरह की हरकतें काहे करते रहते हो? दोबारा ऐसा हरकत नहीं करेंगे सर। दांत बंद करो, जाओ क्लास में जाओ। चलो ए चलो 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 चलो, तुम हमारे साथ हमारे ऑफिस चलो चलो चलो। भज गोविंदम भज गोपाल। दिखाई नहीं देता है क्या, मेरी गाड़ी के सामने काहे आया?
क्या कहा? एक तो हमारी गाड़ी को ठोकर मार दी और उल्टा हमें ही आग दिखा रही हो। कछु बोल नहीं रहे तो सर पे चढ़ी जा रही हो है? असल में तो तुम पर पुलिस केस करना चाहिए। तुम एक लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। बस चुपचाप हमें ड्रॉप करो। हम काहे ड्रॉप करें? ओके ड्रॉप मत करो, नो प्रॉब्लम। पुलिस आने तक दोनों यही रुकते हैं। ओके पता नहीं किस गाड़ी में इससे पार पड़ा। क्या कहा? कुछ नहीं, बैठिए। गुड, चलो फटाफट। आज क्लास में बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था दीदी। दीदी देखिए भैया। अरे बस है, देख के चलाओ। हाँ हाँ ठीक है। ए सरक के बैठो। सरक गया आगे नहीं पीछे सर को। कहाँ लड़की है यार। अरे बाप रे। हमको धक्का देके तुम कहाँ चिल्ला रहे हो? तुम कहाँ जानती हो हमारी हालत का है। अरे बाप रे। अरे हाथ हटाओ। हाथ कहाँ रखेंगे? उतरो है? अभी नीचे उतरो। ए हमारी कमर में हाथ काहे रखा? स्पीड ब्रेकर में इतनी तेज चला तो हाथ लग गया। झूठा, जानबूझ के नहीं रखा है। तुमने जानबूझ के रखा। कहा हमने जानबूझ के तुम पे हाथ रखा। हेलो चल निकल यहाँ से, चल निकल। निकल। ऐसे काहे चल रहे हो? बाइक कहाँ है तुम्हारा? रिपेयर के लिए दिए है। रिपेयर करने को दिए हो? क्यों बहाने से लड़की के साथ घूम रहे थे? कौन सी लड़की? दीदी जब हम इनके रोड नंबर 1 पर देखे रहे ये दोनों स्कूटी पे जा रहे थे, और जब रोड नंबर 12 पर देखे रहे तो दोनों लड़ रहे थे। क्या हुआ होगा दीदी? और क्या हुआ होगा? लव हुआ होगा। सच कह रही हो दीदी? वरना भैया वो लड़की के कमर पर हाथ रख के काहे बैठे रहते? हमको बीच में रख कर फुटबॉल काहे खेल रही हो तुम दोनों? तो तुम ही बताओ ना। तब बताए भैया आप वो लड़की से सचमुच लव करते हो? अरे लगाएं काहे, लव कुछ नहीं। बताओ ना भैया, बताओ ना। ये कैसे किलो दिया भैया? 50 रुपए। ई सब दे दो। ठीक है साहब। ई कैसे दिए भैया? माफ करना बेटी, सब ले लिए। सुनिए ना, ई हमारे डैडी को बहुत पसंद है, हम आधा ले लेगा। ई हमें भी कम पड़ेंगे बेटा। यहाँ क्या कर रही हो बेटी? आपकी पसंदीदा सब्जी लेने आए थे डैडी, पर ही पूरा ले लिए। अरे कृष्णा तुम? अरे सुबु। सुब्रमण्यम है इनका नाम। हमको पता है बेटी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमार बेटी है। हाँ हाँ। अंकल अब हम इसमें से आधा ले लेना। आधा खाए बेटी, सब पकाकर इसके सामने परोसूंगा और इसको खाते हुए देखूंगा हम। चलो चलो हमारे घर चलो। चलो आओ। दीदी दीदी यहाँ क्या हुआ? वो देखो वो दिन जो भैया के साथ लड़की थी ये थी ना। पापा के साथ काहे आई? मतलब भैया फंस गए। भैया भैया जो लड़की से तुम प्यार करते हो घर आई है। कहा ना वो लड़की से प्यार नहीं करते हैं। अरे हम कहना चाह रहे हैं वो लड़की हमारे घर आई है भैया। आए? अरे बाप रे अपने घर आ गई है। बाप रे बाप। अन्नपूर्णा ये याद है तुमका? काहे याद नहीं है, सुब्रमण्यम भैया ही है ना। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ। हमारी बेटी सुहासिनी है, कॉलेज में पढ़ती। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे सुबु ये हमार बड़ लड़की है, एक ही शादी तय हो गई है। और ये हमार छोटी लड़की ज्योति। नमस्ते। तुम्हारा एक बेटा भी था, वो कहाँ है? अरे है ना। अरे राजू ए तौलिया हटाना। अरे तुम्हारा शकल देखनी है इनको। कारे सुबु हमको लगा तू पहचानेगा, लेकिन तुम्हारा बेटी पहचान लिया। का बिटिया तुम इका पहचानती हो? हाँ डैडी इता हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। क्या बात है, बचपन में तुम लोग स्कूल में पढ़े थे और अब कॉलेज में भी एक साथ पढ़ रहे हो। अंकल दोनों बचपन से एक ही स्कूल में थे का? और याद है तुम्हें बचपन में सुहासिनी की नाक बहा करती थी, तब तुम्हारा भैया नकबही नकबही कहकर चिढ़ाया करता था। आप इसे काहे बता रहे हैं? अरे तुम भी तो ईका चढ़ाती थी। कहाँ कहती थी? अरे हाँ वो का था। आप भूल गए होंगे अंकल, बहुत पहले की बात है ना। तुम्हें कुछ याद आ रहा है कृष्णा? नकबही जी, नकबही लड़की कहता था पर याद नहीं आ रहा है। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, आँख में कचरा चला गया। बेटी ईका आँख से कचरा निकाल दे। काहे नकबही कह के चिढ़ाना चाहते हो हमको? नकबही लड़की। ईमानदारी से कहो बचपन में का कह के चिढ़ाते थे हमको? नहीं तो तुम्हारी आँख में सच में परेशानी हो जाएगा। डैडी हम बचपन में नागा को का बुलाते थे? अरे हाँ वो
याद नहीं आ रहा बेटी, भूख लगी है, खाना दे दो। बचपन में हम उसको कहाँ बुलाते थे बताइए, तब खाना देंगे, ठीक है ना? वैसे भी दीदी जीजाजी को खाना पे बुला के पहले कैसे खा सकते हैं? अरे तुम्हारा जीजा सीएम साहब का पीए है, अरे वो जाने कब यहाँ आएंगे, हमको भूख लगी है, प्लेट लाओ। आ गए ये दीदी। आओ दामाद जी आओ, इंतजार कर रहे थे हम। दीदी, कृष्णमूर्ति जी के नाम से हम लोग के पड़ोसी थे, याद है? हाँ, वो कोर्ट में प्यून का काम करते थे ना। उनका बेटा नागराजू को हम बचपन में कह कह के बुलाते थे, आपको याद है का? किसी ने निकम्मों के बारे में किताब लिखी है, वही लाकर देती हूँ, पढ़ के याद कर लेना। जरूरत नहीं है, खाना परोस बेटी। ये का बना है? आज आपका नहीं, डैडी के कहने से उनका फेवरेट सब्जी बनाया है। अच्छा, मशरूम। हाँ। अरे ये सब तो लेबर खाता है, पिताजी कैसे खाएंगे? लेबर इसको खाते हैं तो हम लोग खाना छोड़ देगा। हमसे बहस करके जीत जाते हैं, इसे जीत कर दिखाए तो माने। सुहासिनी की हर बात हमको मीठी लगती है। डैडी, डैडी, क्या हुआ बेटी, कोनो बुरा सपना देख लिया का? सोएंगे तभी ना सपना आएगा डैडी। नागराजू को कहाँ बुलाते थे हम? अरे अभी सोने दे ना बेटी, सुबह उठूंगा तो याद करके बताऊंगा। कहाँ डैडी? डैडी, डैडी, नींद नहीं आ रहा है हमको। अरे तो हम क्या करें, हमको सोने देना। माँ, अकेले अकेले काहे हंस रही हो, बताओ ना कौन सा जोक है, हम सब भी हंस लेंगे। यदि बताऊंगी तो तू रोएगा। पहले उका बता तो सही। कुछ नहीं बेटा, कल लड़की अपने घर आई थी, तुमको का कह के चिढ़ाती थी ये पूछ रही थी। का पूछ रही थी और तुमने का बताया? यही कि गोल लड्डू। गोल लड्डू, गोल लड्डू। गोल लड्डू बोलते, तुम सामने हट जाओ। क्या कर रहे हो, कहाँ भाग के जा रही हो? हमारे दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, सब घर में ही बसे हुए हैं। भैया आप लड्डू खाओगे क्या? एक्सक्यूज मी सर, ये वीआईपी सीट है, आप जरा पीछे जाके बैठिएगा। अपन कौन है बता रहे इसको? आर्ट्स कॉलेज के लीडर हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नाम है गुरु। तो हम क्या करें, पीछे जाके बैठिए। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? ये कौन है तू, जानता भी है? 0.4 से बड़ा है, 0.6 से छोटा है। अब बैठिए सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ए, वो कुछ तो बोला पर हमारा समझ में नहीं आया। 0.4 से बड़ा और 0.6 से छोटा, अब गुरु 0.5 बोला। हाँ? आजा, आजा। डियर फ्रेंड्स, आज ही कॉलेज के गोल्डन जुबली फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साहब को काहे बुलाया गया है जानते हैं? काहे कि वो ही कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच पर आने की विनम्र विनती करते हैं और उनका सम्मान करने के लिए हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आएंगे। उसके बाद अपने यहाँ विशिष्ट अतिथि बनकर आए माननीय होम मिनिस्टर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सीएम साहब, आप इसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके आज राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए हम विद्यार्थी गण आपसे संदेश सुनने की आशा रखते हैं। सभी विद्यार्थियों के गोल्डन जुबली की शुभकामना। पॉलिटिकल नेता के हाथ में जब भी माइक आवेला तब वो बड़ा बड़ा वादा करेला, हम वादा करे खाते ना आयल हैं। पहले की राजनीति में जनता का मदद करते थे और आजकल राजनीति मतलब पैसा कमाना। आप सभी लोग नया वोटर्स होंगे, सरकार को बदलना
या नेता को बदलना युवा लोग के हाथ में होता है। आप सबको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति के तौर तरीका के बदलने का उम्मीद तुमसे करते हैं। आज हम जौन कुर्सी पर बैठे हैं, कल आप में से कौनो इस कुर्सी पर बैठ सकता है। खासकर युवा लोग से हमारा विनती है, आने वाले भारत के उज्जवल भविष्य आप ही हो। तुम्हारी वीरता पर ही कल का भारत टिका है। देश को एक नया रूप मिलेगा, असेंबली को एक नया लाइफ मिलेगा। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल के बदले ई भावना होना चाहिए। फॉर द यूथ, बाय द यूथ, टू द यूथ, ई सोच जिस दिन आएगी तब ही सब अच्छा होगा। जय हिंद। नमस्कार सर। करे गुस्सा में है का? कश्मीर में इलेक्शन होने पर जैसे गुस्सा आता है ना, उतने ही गुस्से में है। तो वापस चल जाएं का? वापस जाएंगे ना तो कारगिल युद्ध हो जाएगा। तो का करे? मेंटली तैयार होकर जाइए और उनको पटा लीजिए, सब काम हो जाएगा। सूली पर चढ़ा दिया है, देखना मर जाएगा। सिर दुख रहा है का? नहीं, पूरा बदन में आग लगी है। तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, वो राजनीति का फंक्शन नहीं था, कॉलेज का फंक्शन था। काहे कॉलेज के लड़कों के काम नहीं आ सकते हम? ये हमारा स्पीच काम का नहीं है। हमको यदि स्टेज पर बुलाया होता तो हम दिखा देते। पारा बहुत गर्म हो गया है। सही कहे। अरे स्टेज ही का पगली, MLA रंगाराव मर चुका है ना, अगले इलेक्शन में उसकी सीट से टिकट दिलवा दूंगा। मान गए भाई। MLA के मरने के बाद वो सीट उसकी बीवी की होती है, हमको तो उसके साथ ही होना चाहिए था। मंदा भाई, इतना बेइज्जती ठीक नहीं है। अगर इस सीट तुमको नहीं दिलवाए ना तो नेतागिरी से इस्तीफा दे देंगे। इस चार दीवारी के बीच वादों की तो कोई कमी ही नहीं। अरे राजनेता सब धोखा देवत है मामूली वोटर्स को, तुम्हारी जैसी औरत को नहीं। सर एक सही, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मंदा भाई है समाज सेविका, अपनी पार्टी को पसंद करती है, यही से आपसे मिलने आई है। आपका पार्टी में मौका मिलेगा तो अपने आप को साबित कर देंगे। ठीक। ये अपनी पार्टी की सेवा करना चाहती है। पार्टी की या तुम्हारी? मैडम दिन से ज्यादा रात में सेवा करती हैं सर। वर प्रसाद, हमने और तुमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है, तुमको हम अच्छा से जानते हैं। हम जितना पद को महत्व देते हैं उतना ही करैक्टर को देते हैं। तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, ये तरह का बात अपनी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। कहे वालन तो कुछो कहते हैं सर, यदि उन पर ध्यान देंगे ना तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये औरत को काहे लाए हो? लक्ष्मी नगर सीट के लिए। वो तो यूथ लीडर को दे दिए है ना? अभी तक फाइनल नहीं किया है ना, तब मंदा बाई से नॉमिनेशन करवा सकते हैं। हर मिनट में बदलते रहेंगे तो अपनी पार्टी का नाम गंगा में बह जाएगा। चलता हूँ। आ गए काशी जी, आ गए। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। नमस्ते। हाँ मेरे को उंगली घुमाए तो देश की सरकार लट्टू की तरह घूमनी चाहिए बस। कैसे हैं मंदा भाई जी, बैठिए। अरे बैठ जाइए, वैसे भी तुम्हारा का मेहनत कम कनेक्शन ज्यादा है। खाक ठीक हूँ। का है? CM साहब ने इनको इंडिपेंडेंट सीट के लिए मना कर दिया। इन्होंने सोचा कुछ था और मैडम के साथ कुछ और हो रहा है, अब आप समझाए इनको। किस लिए डर रही हो? हम है ना, हम अपोजिशन लीडर है ना, अभी हमारी पार्टी में जगह बहुत खाली है। इनका इंडिपेंडेंट ठहरा कर हम पार्टी से इनका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। हेलो, नमस्ते नमस्ते। अभी हम अगला इलेक्शन के लिए एगो कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ, मंदा भाई नाम है, हाई क्लास से, ऊपर से लेके नीचे तक एकदम करेक्टर अच्छा है। हम इनका अपना पार्टी में लेना चाहता हूँ। काका, उनका सपोर्ट करने से हमको क्या फायदा होगा? हमसे बात कराइए। एक मिनट रुका, वो औरत ना होम मिनिस्टर के प्यारी गुड़िया बारे। हाँ उन्हीं से बात कर ला। तुम अपनी पार्टी के सपोर्ट से मंदा भाई को जिताओगे ना तो अपनी पार्टी के गवर्नमेंट को हम गिरा देंगे। गारंटी का है? हम कदम गारंटी वारंटी का मांग रहे हो बाबा? औरत के कदम पड़ने के बाद कितना सरकार गिर चुकी है। अरे सुना, हिस्ट्री जानत भाई भी हमसे बात मत बोलो, यहाँ का सब हम संभालता हूँ ना, और हुआ का तुम संभालो। अब फोन रखता हूँ। थैंक यू सर, आपका कर्जा चुका दूंगी।
इका मंदा भाई थैंक्स सही काम चलाओ इका। नहीं तो का चाहिए बताई ना। अरे बाप रे ऐसे मामले में हम थोड़ा वीक हूँ। ऐसे मामले में तुम्हारा एक ही सिद्धांत है कि घर की गैस फ्री, राशन फ्री, बिजली फ्री, सपोर्ट फ्री। चप्पल से मारूंगा, सपोर्ट फ्री नहीं है। परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। ओके। जे भी करे के होगा करेंगे। बाकी ये तय है कि हमारी मंदा भाई असेंबली में पहुंचनी चाहिए। बस पहुंच गई। वोट देंगे, वोट देंगे, हम जिताएंगे, हम जिताएंगे। ये बार अपनी आँख से देखिएगा कि दिन रात मेहनत करने वाली ये हमारी समाज सेविका मंदा भाई है। दिन रात समाज की सेवा करने वाली बाड़ी। इस समाज सेविका का वोट काहे दें ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। वोट देंगे तो आपके घर की गैस फ्री, राशन फ्री, बिजली फ्री। हम कहते हैं उनका देखिए और इनका देखिए, इनके काम की देखिए और इनके काम की देखिए और वोट का बारिश कर दीजिए। आप अपना वोट हरी बाबू को देकर इनको भारी मतों से जिताइए। मंदा को हम जिता के रहेंगे, हरी बाबू को हम जिता के रहेंगे, मंदा को हम जिता के रहेंगे, मंदा को हम जिता के रहेंगे, हरी बाबू को हम जिता के रहेंगे, मंदा को हम जिता के रहेंगे। इस सड़क पे पहले हम लोग आए हैं, तुम लोग पीछे जाओ। अरे बताइए हम कौन रास्ते से जाएं? अब आप ही को डिसाइड करना होगा, नहीं तो हटिए रास्ता से। अरे ये कहा, हम कोई रास्ते पे आते देखकर तुम भी रास्ते पर आ गए। अपना मुंह बंद करो और रास्ते से हटो। पीछे हम कहे जाएं? पीछे नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। ज्यादा चिल्लाओ मत वरना हम सर फोड़ देंगे। अरे देख लें इनका ड्रामा, कल साथ थे और आज पलट गए। अरे इन दोनों का कहां भरोसा, कल हमें पहचानेंगे नहीं। इनके बारे में कौन नहीं जानता है, हमेशा एक दूसरे को गाली देते हैं और जब घर जाते हैं तो साथ में मिलकर मिठाई खाते हैं। अरे देख कर रहे हो, मारो उसको। अरे कौन हो यहाँ पे, काहे झगड़ा कर रहे हो? अरे रुका, बोले ना, हमारी बात सुना। अरे तुमको कुछ कह रहे हैं ना हम? आप ठीक तो है ना? भैया, 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 वो सब पापा को मार रहे हैं। Oh!
राजू छोड़ दो के राजू नहीं राजू छोड़ छोड़े मुझे रुक जा हम कह रहे हैं रुक जा राजू छोड़िए राजू नहीं छोड़िए हमको फेंका ओके हम कह रहे फेंका ओके राजू चलो चलो राजू कैसे चलो राजू तू स्टूडेंट बैंक के गुंडा बा अपने पिता पर हाथ उठाने वाले को अगर कोई बेटा मारता है तो उसे गुंडा कहते हैं गली में जाकर मारामारी करेगा तो उम्मे और तुझमें का फर्क रह जाएगा पापा आप लोगों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है तो आप लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है हमारी बहन की इज्जत पे किसी ने हाथ डाला और हम चुपचाप खड़े रहे ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं काट डालेंगे फिर कभी किसी ने अगर ऐसा किया ना तो हम उसे काट डालेंगे डीआईजी साहब वो ला कॉलेज के स्टूडेंट को तुरंत अरेस्ट कीजिए और कोर्ट में हाजिर कीजिए सूर्यदेव नागराजो तुम्हारा नाम नागा और भाई तो तुमको कोर्ट में कौनो और नाम से बुलाया गया हमारे पापा ने तो हमारा नाम नागराजू रखा है पर सब लोग हमको इसी नाम से बुलाते हैं ही महीना के 16 तारीख को राजा राव नाम के आदमी को तुमने मारा का हमारी जानकारी के हिसाब से उसका नाम गुरु है और हाँ हमने ही उसको मारा है इतना निडर और निश्चिंत होकर ही कह रहा है कि इसने मारा है इसके बाद विचार का है ये अपराधी है इसे सजा दीजिए योर ऑनर जरा सुनिए प्रोसिक्यूटर साहब गलती की सजा जरूर होती है लेकिन किसी की गलती साबित होने से पहले आप सजा देने की बात कर रहे हैं कौनो राजनीतिक पार्टी के नेता आपके घर में घुसकर आपको पटक के मारेंगे तो आप क्या करेंगे हाथ जोड़कर उनको नमस्ते करेंगे का साइलेंस तुम हमसे सवाल कर रहे हो हाँ सर जब कोई राजनीतिक पार्टी की रैली चर्च के सामने मंदिर के सामने मस्जिद के सामने से गुजरती है तो लाउड स्पीकर यूज करना मना होता है ना ही भाषण दे सकते हैं और ना ही नारा लगा सकते हैं लेकिन हमारे घर के पास से जब गुजरते हैं तो हमारे कान फोड़ देते हैं Am I correct? क्या ये अन्याय नहीं है सर राजनीतिक शोर के चक्कर में किसी बीमार आदमी की जान तक जा सकती है ये हम पर अत्याचार करे हमारी माँ बहन की इज्जत पे हाथ डाले और हम चुपचाप बैठे रहे तुम राजनीति से नफरत करते हो सर आँखों पे रखते हैं जनता हमारी भगवान है समाज हमारा मंदिर है जनता के लिए अपनी जान देने वाले नेताओं को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ लेकिन खाने का पैकेट देने वाले दारू की बोतल देने वाले और मासूमों के हाथ में 500 रुपए देने वालों पर हमको बहुत गुस्सा आता है कॉलेज में नकल करके पास होना जितना बड़ा गुनाह है उतना ही इलेक्शन में पैसे देकर वोट खरीदना कब कहां कौन सी पार्टी शोर मचाएगी पता तक नहीं चलता अरे
इन पार्टियों में कितने मासूमों की जान तक चली जाती है हमें पता नहीं चलता। तो प्रचार भी ना करेगा? ऐसा कुछ करेगा हमारा कोई इरादा नहीं है। जनता डिस्टर्ब ना हो बस मैं ये चाहता हूँ। प्रचार के नाम से करोड़ों का पैसा बर्बाद मत करो, मैं ये चाहता हूँ। एक एमएलए को प्रचार करने के लिए खर्चे की लिमिट दी गई है, वो लिमिट पार करके लाखों करोड़ों खर्चा करके इन नेतागढ़ सारा पैसा आम जनता से वसूलते हैं। ये सबसे किसका नुकसान हो रहा है? जनता का। परेशान कौन हो रहा है? जनता। इसीलिए सड़क पर प्रचार करना गलत है मैं कहता हूँ। ये हक संविधान ने दिया है। जब से ये देश को आजादी मिली है तब से लेकर अब तक संविधान में सैकड़ों संशोधन किए जा चुके हैं, तो जनता की भलाई के लिए एक और संशोधन करने में क्या हरज है? उन्नति का प्रतीक कहे जाने वाले अमेरिका जैसे देश के साथ कई देशों में टीवी मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हर पार्टी को प्रचार करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। जनता के हक की रक्षा करनी चाहिए। बीच सड़क पर प्रचार करने से जनता को जो परेशानी होती है उसे उन्हें बचाना चाहिए। हमने जो किया है वो गुनाह है, लेकिन IPS सेक्शन 96, 97, 98 और 100 के मुताबिक हम सजा के हकदार नहीं हैं। That's all, Your Honor. नागराज पर लगाए हुए सारे आरोप को खारिज करके ओकी अपील इलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए सिफारिश करूंगा। तुम्हारा बेटा कोई साधारण नहीं है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। सर, लॉ कॉलेज स्टूडेंट नागराजू ने इलेक्शन के प्रचार खातिर जो सलाह दी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। गली गली में प्रचार करने की जगह मीडिया का सहारा लेने का उपाय हमको बहुत पसंद आया। सर, मिस्टर नागराजू, तुमका घर जाने के लिए अर्जेंट मैसेज आया है, यू कैन गो। आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट अमर नागा के मारा था। चलो मार रे, चला चला। अरे गुरु कहाँ है? ऊपर। Oh!
नागा, तुमसे मिले खातिर कुछ यूनियन के लीडर लोग आए हैं। चलो आ जाओ। हम आंध्रा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। हेलो। श्री कृष्ण देवराय यूनिवर्सिटी। हेलो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी। नागार्जुन यूनिवर्सिटी। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी। काकतीय यूनिवर्सिटी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आप कोर्ट में जो कुछ भी बोले हैं, हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। आपकी हिम्मत के हम सल्यूट करते हैं। आप हमारे स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर बने, ये हम सबके इच्छा। अगर आप हम लोगों का साथ देंगे तो हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। माफ कीजिए, ये हमसे नहीं होगा। ना मत कीजिए, यदि आप हमारी टीम में आ जाएंगे तो हम मजबूत बन जाएंगे। स्टूडेंट लीडर नागराजू, 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 स्टूडेंट लीडर नागराजू। मुबारक हो। धन्यवाद सर। अच्छे काम खातिर सभी विद्यार्थी मिलकर नया समाज तैयार किए हैं। ई ताकत के आगे कोई ताकत ना टिकी। अपन मुख्यमंत्री जी ने अपने युवाओं को आगे लाने के लिए हमको पार्टी से एमएलए का टिकट दिया है, लेकिन होम मिनिस्टर प्रतिपक्ष से हाथ मिला के प्रत्याशी के रूप में मंदा भाई के खड़े कर दिए हैं। उनके पास पैसा और ताकत दोनों है, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। यदि आप मदद करेंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे। अच्छा काम करने के लिए आपको युवाओं की मदद जरूर मिलेगा। काल सगाई हुई के बाद एक महीने के अंदर शादी रखना चाहते हैं लड़का वाले, का करें? इतना जल्दबाजी करेंगे तो कैसे चलेगा जी? ए, शादी की चिंता काहे कर रहे हो? हम सब संभाल लेंगे, तुम लोग बाकी काम देखो। ए, छोड़। नहीं छोड़ेंगे। अरे कह रहे तुम तो छोड़ो यार। नहीं अरे छोड़ेंगे। रहे, छोड़, 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 छोड़ो, गिर जाएगी। कह रहे ना छोड़ दो। हम पहना रहे हैं ना। शकल देखिए, तुमको साड़ी तक तो पहनना आता नहीं है, हमको धोती तुम पहनाओगी। चल जा। अरे जाना जानक भाई, जाके अपनी नाक पोछ। ये कोनो ब्रह्म विद्या है का? जैसे लड़की लोग साड़ी पहनती है वैसे ही धोती बांध देंगे। ओमेगा है। अरे इतना नखरा काहे कर रहे हो, पहनाने दो ना। ओए अंकल, ये हमारी बच्ची की धोती भी उतार लिए, पास बता कह दे रहे हैं। कहे ना हम पहना रहे हैं। क्या कर रही है? छोड़ धोती। अरे आराम से आराम से। ये में का है रे? खाना है, पेट भरे तक खाए खाती। चल जा। अरे ये सब का है रे? अरे तुम समझी नहीं यार, वहाँ खाना पीना है तो गाना बजाना भी तो होगा ना। अरे उसने वादा किया था कि आज वो आएगी रे, आएगी रे, वो आएगी रे, आएगी। इतना देर कैसे हो गया? चलो जल्दी। हम नहीं चल रहे, तुम सब जाओ। तुम नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे बिना हम लोग सीएम का मीटिंग अटेंड करेंगे? सब स्टूडेंट तुम्हारी वजह से आए हैं। चलो। अरे यार कल दीदी की सगाई है यार, हम नहीं रहेंगे तो दुखी हो जाएगी। सगाई कितने बजे है भाई लोग? कल शाम के 7 बजे की है। रात का मीटिंग खत्म होता है, हम वापस आ सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे बिना ही एंगेजमेंट होगा? हमारी बात तो तुम्हारा बहन है, हम लोगों का बहन नहीं है। कम से कम परसों हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। लेके चलो उसको। चलो 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 पकड़े करके छोड़ो। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, 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 स्टूडेंट Union Jindabad, Students Union Jindabad, Students Union Jindabad, CM Sahab 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 Jindabad। इतने सारे स्टूडेंट कैसे आ गए? सर नागा नाम के स्टूडेंट लीडर है, उसी के कारण आया। ओ ऐसा है, उनके बारे में बहुत सुना है। हमरा अभिनंदन करके आशीर्वाद देके आगे बढ़ाने वाले भाई बहन और बुजुर्ग लोगन को हमरा नमस्कार। नमस्कार। जिनकी सलाह देने की उम्र है वो सेना की तरह काम नहीं कर सकते। जानते हैं किसी महान कवि ने क्या कहा है? तुम्हारी उम्र बीत गई, हड्डियां गल गई, अब तो मर जाओ भाई। यही खातिर युवा लोग को अपनी पार्टी में ला रहे हैं। हमको बहुत खुशी है कि इतना सारा यूथ हमारी पार्टी की मीटिंग में आया है, और इस सब का कारण है छात्र नेता नागराज। धन्यवाद आपका। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
लंबी लंबी लड़कियां चलाए दिल पे छुड़िया, सिल साड़ी जब पहन कर चलती है लगती वो परी जैसी है, उन्हें देख के लड़कों के दिल में खलबली मच जाती है। लंबी लंबी लड़कियां चलाए दिल पे छुड़िया। अब इनका से थाली लीजिए। सगाई में नहीं आ पाए कहे कि तुम्हारा बहाना सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा रात भर बिना पलक झपकाए बैठे रहे। लड़के वालों ने पूछा तो तुम वेंकटेश्वर मंदिर गए हो कहके झूठ बोलना पड़ा। जिंदगी में पहली बार उन्होंने कोर्ट से छुट्टी ली थी। इलेक्शन मीटिंग में जाना गलत था मैं मानता हूँ, फिर भी मैं टाइम पे आ जाता, पर रास्ते में एक रिक्शा का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया माँ। वो लेडी प्रेग्नेंट थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इसीलिए सगाई में नहीं आ पाए। वो औरत गर्भवती थी माँ। तू अपन बहन के सगाई में नहीं आ सका, इसका हमको कोनो गम नहीं है। बाकी वो मीटिंग में तुम्हारा क्या संबंध है? कौन सी पढ़ाई कर रहा है और ये मीटिंग का है? जिंदाबाद करना, झंडे उठाकर घूमना, ये कौन सा लागे किताब में लिखा है? कौन सा सेक्शन में लिखा है कि माता पिता के अलावा उनके दुख दा? ए, आखिर लायर के राजनीति से क्या संबंध है? पापा, हमारे देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी एक लॉयर ही थे ना। देश का संविधान लिखने वाले अंबेडकर वो भी लॉयर थे। इतना ही नहीं, हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी लॉयर थे। लेकिन पापा, हम उनकी तरह राजनीति में नहीं जाएंगे, आपकी बात मानकर हम लॉयर ही बनेंगे। हाँ पापा। ससुर के नाती सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बैठिए, बैठो बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ सर? नागा, होम मिनिस्टर प्लानिंग कर रहे हैं बोगस वोट डालने की। आप चिंता मत कीजिए सर, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाय नागा, कारे सब ठीक चल रहा है? हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चल ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है। आइए बहन जी, आइए, इस पर वोट दीजिएगा। आइए बहन जी, इस पर मोहर लगाइएगा। मुकुंद राव सनाब रामकृष्णा 448। ओके सर। उधर जाइए आप। अरे भाई भाई, नमस्ते करो। के वोट दिया? तुम्हारा नाम शकीला है? आई आवाज बदल के। हाँ जी, चाचा बंजी 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 ठहरिए। कहाँ चाहिए? आपका सूरत देखना चाहते हैं हम लोग बस। हमका शर्म आती है। क्या शर्म आती है? आपका सूरत बहुत प्यारा है, देखते ही तीन दिन तक बुखार। ए, लड़की बन के वोट डालने आया है, पकड़ो, ले चलो, ले चलो, उठा। अरे चल चल, अरे और कितना लोग आए हैं? चलो चलो जल्दी, चलो चलो चलो, हाँ चलो जल्दी। ए, हटा हटा। ए, चलो चलो। ए, चलो रास्ता, चलो चलो चला चला पीछे चला। टू 226 के शंकर सन ऑफ सोमराम।
ठीक है सर। सर ये तो नकली कार्ड लेके आया है। असली कार्ड ही है। तुम लोग बोकस डलवा रहे हो। ए का बकवास कर रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ कुछ लड़कियों को ठीक कर चुके हैं। क्या? हाँ मतलब एक को बोगस वोट डाले नहीं दिए। नागा बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ ठीक है चल रहा है। ए, नागा अंदर चीटिंग होत बा और लड़ाई भी होत बा। हाँ? चल ए पुलिस को फोन लगा। अरे वो तो बच्चा ऊ का कर लेगा। अरे वो बच्चा नहीं बुलडोजर है, जल्दी से फोन लगा। गुरु नागा आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो 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 तुम लोग निकले नागा ये बोगस वोट डलवा रहा था। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल। चुप कर तू के बाबे। तेरी तो कैसा लगाया? पकड़ लो पकड़ो सबके पकड़ो। ए पकड़ा ही लोग इनके गाइस सबके। ए ओ लंका चलो हम उसको कैसे लगाया डाल इनके गाड़ी में कर छोड़ेंगे नहीं। चल चलो बैठो बैठो। शिवाजी नगर नियोजक वर्ग में हुई पोलिंग की गिनती का सातवां राउंड पूरा होने तक आधिकारिक पार्टी अभ्यर्थी हरी बाबू से अपोजिट पार्टी की ओर से इंडिपेंडेंट खड़ी हुई कुमारी मंदाबाई उनसे 3,789 वोटों से आगे चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज। गिनती के अनुसार शिवाजी नगर नियोजक वर्ग में हुए उपचुनाव में वोट की गिनती का आखिरी राउंड पूरा होने के बाद आधिकारिक पार्टी के अभ्यर्थी श्री हरि बाबू अपोजिट पार्टी की ओर से खड़ी हुई कुमारी मंदाबाई 9 वोटों से हार चुकी हैं। तुम कहा करोगे ये हम नहीं जानते। गवर्नमेंट गिरा के इसे इलेक्शन करवा के ही सही। हमको हमको मंत्री बनना है। मंदा अरे मंदा मंदा सुनो तब मंदा। काशी भाई ऐसी औरत तो घर चलाने में सही है पर सरकार चलाने में नॉमिनेशन सबमिट करने से पहले हमका मालूम रहे तब फिर उनसे पैसा काहे लिए। हमका फायदा नुकसान मालूम बा। हम तो आपको छोटका समझे थे आप बड़का निकले। तुमका बहुत देर में समझ में आया मूर्ख बाड़ा ना तू। सर कौन हो तुम और क्या चाहिए? हमारा नाम कृष्णमूर्ति है। हाँ। कोर्ट में हाजिरदार हूँ। हाँ। हमारा लड़के को अरेस्ट किया इसीलिए आया हूँ। हाँ। आपके बेटे का नाम क्या है? राजू। राजू ये नाम वाले किसी को हमने अरेस्ट नहीं किया है। लॉ कॉलेज स्टूडेंट नागराजू किसी इलेक्शन के झगड़े में अरेस्ट किया था। नागराजू? आप नागराजू के पिता है? हाँ। सर बैठी सर कॉन्स्टेबल इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। आप बैठी ना ओकर कोनो जरूरत नहीं है हम अपन लड़का के छुड़ाए खातिर आए हैं। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं सर। नागा को अभी सीएम साहब खुद छुड़वा के ले गए वो आगे चलकर बड़ा नेता बन सकता है। हम चाहते हैं और हमारी इच्छा ये बा कि हमारा बेटा लायर बने। ये राजनीति हमको नहीं चाहिए। चलता हूँ सर। इनको क्या हो गया? अगला गए हैं का? आजकल सब लोग सीएम साहब के अपॉइंटमेंट के लिए मर रहे हैं और इनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। सीएम साहब जिंदाबाद। 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 ज्यादा नहीं 9 वोट से जीते हैं। तुम्हारी राजनीति हम जानते हैं। अपोजिट पार्टी को पैसा देकर उसकी पार्टी से उम्मीदवार को खड़े किए बिना मंदाबाई को सपोर्ट करवाया। चीटिंग करके तुम मंदाबाई को जिताना चाहते हो।
अगर वो छात्र नेता नागराज नहीं होता तो अपनी पार्टी पूरी तरह से हार जाती। पार्टी का बड़ा नेता होकर भी ऐसा काम किया। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। आइए ना सर। सर इनागा। नमस्ते सर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। लाख बंदूक से ज्यादा ताकत एगो मिसाइल में होता है। हमारी पार्टी को तुम जैसे आदमी की बहुत ही जरूरत है। हमारी पार्टी के यूथ विभाग के तुम आज से यूथ लीडर हो। यूथ लीडर नागराजू जिंदाबाद। 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 अरे कृष्णा, तुम्हारा बेटा कहा ना कि वो लायर बनेगा, फिर चिंता काहे करते हो? वो बात नहीं है। पहले काफी पियो। आप इतना चिंता काहे कर रहे हैं अंकल? वो सिगरेट थोड़े पी रहा है कि उसको कैंसर होगा, ना तो दारू पी रहा है कि उसका लीवर खराब होगा। लीडर बनना चाहता है बस इतना ही ना। वो तो लाखों में से एक है, आप जानते ही हैं। आपके टाइम में 400 कमाने वाले से भी लड़की लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाती थी। बाकी अभी ऐसा नहीं है, अभी स्टेटस नाम बढ़िया होना चाहिए। इनडायरेक्टली इलाय की दिल का बात बता दी, और क्या चाहिए? पियो ना। वो पिए अब तक आया काहे नहीं? वो आएगा कब? आईडिया देगा कब? ये गवर्नमेंट गिरेगी कब? नमस्ते। क्या बात है, ये इतना सीरियस का है? अब दोबारा इलेक्शन होने तक इनके आंसू नहीं रुकने वाले। इलेक्शन के लिए जीते हुए नेता को मारना पड़ेगा। हाँ, खर्चा बढ़ जाएगा। आपके बजट खातिर एक आइडिया दूं? वो कहा है यहाँ पर आइडिया देने के लिए किसी भी परमिशन का जरूरत नहीं होता है। असहमत प्रतिपक्ष से हाथ मिलाने के बाद सरकार को गिराना कौन सी बड़ी बात है? कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि और कहीं पर खून खराबा, कोनो भी पॉइंट पर हंगामा कर सकते हैं। अरे क्या बात कही है यार, हमका मिल गया है अकाल। अकाल मिल गया है? अकाल कहकर नारा लगावा, 23 जनपद के किसान के हाथ में अकाल के समस्या ला एंड ऑर्डर सेव कर देंगे। क्या कहते हो? बिल्कुल सही है। अरे भोर का अकाल का समस्या लाएंगे का? बंदा भाई के सीट के कसम। तब तक कुछ और कहे थे, और अब अपन जरूरत है। ऐसा का है? पैसा उसका है ना, फ्री में अपनी पब्लिसिटी। सेकंड कीजिए सर। राजनीति में हैंड देते हैं मगर सेकंड नहीं करते। समझ गए ना? समझ गए। ए के बाड़ा, तू लोग गाड़ी पीछे डवा, चला। सीएम से मिले बगैर हम नहीं जाएंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार, क्या समस्या है आपकी? पानी के बिना हमारे गांव में सूखा पड़ा है, भूख प्यास से हम लोगों का बीवी बच्चा तड़प रहा है। चाहे बाबी के हल नहीं निकाले तो हम के आत्महत्या करके पड़े। रुकी रुकी, इस विषय पे हम दूसरे राज्यन से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको उनसे कोनो जवाब नहीं मिला है। हम तुरंत केंद्र से बात करते हैं इस समस्या का हल निकाले खातिर। आप लोगों को पानी जरूर मिलेगा। ठीक है साहब, नमस्कार। सर पीएम साहब लाइन पर है। नमस्कार सर। सर हमने हाई कमान को ऑलरेडी मामले की पूरी डिटेल भेज दी है। सर प्लीज डू कंसीडर, यहाँ के हालात बहुत खराब हो गए है। सर सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ओके सर। वो का कहे सर? कहते हैं केंद्र के पास पैसा नहीं है। मैं आता हूं। यहाँ काशी किसानन को भड़का रहा है, हम कुछ नहीं किए तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। नमस्ते सर। हाँ, आपने बुलाया था? हाँ, किसानों के खातिर हम आमरण अनशन करेंगे। अगर अनशन किए तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमेशा यूथ की वजह से ही होती है। वो बिगड़ गया तो बाकी लोग भी बिगड़ जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम सब संभाल लेंगे। तुम अकेले नहीं, पूरा राज्य के विद्यार्थी यूनियन को खबर कर दो। ये आमरण अनशन शांति से होना चाहिए। ओके सर। सर
इतने दिनों बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोनो रिस्पांस नहीं आया। अगर आप कहें तो हम अपन आदमी दिल्ली भेज दूं। चलो चलकर खाना खा लो। हमको भूख नहीं लगी माँ। ये का है रे, आखिर का हो गया है? काहे भूख नहीं है तुमको? देखिए जी, तीन दिन से खाना नहीं खा रहा है, आप कुछ क्यों नहीं कहते? मुख्यमंत्री साहब को खाना खाए हुए भी तीन दिन हो गए। मतलब उनके खातिर भूखा रहेगा? पापा, हमें खाना देने वाले किसान भूखे रहे तो हम खाना कैसे खा सकते हैं? ए, तू अनशन करे, राजनीति करे, नेताओं के साथ घूमे, इसके लिए हम तुमका मेहनत करके नहीं पढ़ाया। ए, तुमका राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। ही राजनेता तुम्हारा इस्तेमाल करके तुमका छोड़ देंगे। हमार पिताजी हमका नहीं पढ़ा सके, यही खातिर हम जिंदगी भर पीहून बन के जीते रहे। तू हमरे जैसा ना बने हम यही सोचते। ए, तू हमारी बात सुन, ऐसा मत कर, ये राजनीति अच्छी चीज ना है। आपकी तरह हर कोई राजनीति से भागेगा तो लोगों का भला कैसे होगा पापा? आपने लोगों का भला करने के लिए ही हमसे लॉ की पढ़ाई करवाई ना, किसी भी तरह भला होना चाहिए पापा। मेहरबानी करके ये बारे में हमसे और कुछ मत कहिएगा प्लीज। यूं तो हम काम शुरू नहीं करते, पर शुरू कर दिया तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। राजू, अरे साहब, आप सोचे कुछ और, हुआ कुछ और। आपकी प्लानिंग थी कि किसानों की प्रॉब्लम से उनकी कुर्सी गिरा देंगे और आमरण अनशन से स्टेट की संपत्ति उमार ले गए। केंद्र में अगर उनकी सरकार आई तो उन्हें कुर्सी से उतारना तो दूर, आप उनकी चप्पल भी नहीं उतार पाएंगे। तुम चुप रहोगे? सर, ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। तूफान आवे पर पेड़ गिरा था, अब वायलेंस होवे पर सरकार पलट जाता है। उसको पलटने के लिए तू तुरंत जाके नागा से मिला, बाकी के सारा काम गुरु संभाल लेगा। नागा, क्या यार, तू लोग ऐसे रोड पर घूम रहे हो? अगर तुम लोग ऐसे मुंह बंद करके बैठ गए तो सीएम साहब तो मर जाएंगे। अगर ट्रेनें रोककर, बसों को चलाकर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट किया तभी वो लोग उनकी बात मानेंगे। अरे क्या कह रहे हो, सीएम साहब नहीं तो हमको शांति बनाए रखने के लिए बोले हैं। ओहो, तुम लोग राजनीति को नहीं जानते। वो लोग अगर ना कहे इसका मतलब हाँ है। कोनो भी समस्या के हल के लिए लड़ना पड़ता है, अगर हम लड़ते ही नहीं तो देश को आजादी कैसे मिलती और देश को आजाद कैसे देख पाते हम? आंध्र प्रदेश की स्वतंत्रता खातिर और अपने सीएम साहब के बचावे खातिर हम सबके जो राह अपनानी है वो साइलेंट नहीं, वायलेंट है। चलो सब लोग नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे अरे, काहे ऐसे कर रहे हो भाई? अरे का जबरदस्ती है? सुनो, आने वाली ट्रेन को यहीं रोक लीजिए। ये स्टेशन को रोकर स्टॉपेज नहीं है। हमारे किसानों के लिए भूख हड़ताल कर रहे सीएम मौत से जूझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बंद का ऐलान कर रहे हैं। वो गाड़ी को आपको यहीं रोकना होगा। सॉरी सर, वो गाड़ी रोके के अधिकार हमारे पास नहीं है। वो गाड़ी को कैसे रोकना है हम आपको बताते हैं। चल चल चल। सीएम की जान बचानी होगी, किसानों की जान बचानी होगी, किसानों की जान बचानी होगी, सीएम 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 की जान बचानी होगी। आओ आओ जल्दी आओ, बस को रोको। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। साहब की जान बचानी होगी, सीएम साहब की जान बचानी होगी, सीएम साहब की जान बचानी होगी, किसानों 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 की जान। ट्रैक पे लेट जाओ। Oh my God! 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 Oh my God!
साथ यहाँ स्टूडेंट रोड के ब्लॉक करके बस के चला रहे हैं। उठाओ उठाओ एक जल्दी उठाओ। ए चलो उठाओ एक रखे। पुलिस वाले हाय हाय। पुलिस वाले हाय हाय। पुलिस वाले हाय हाय। पुलिस वाले हाय हाय। चलो 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 अरे मार रहा है। छोड़ो अरे छोड़ो मार रहा है। मार रहे हैं हमके चार्ज। चलो मारो ये सबके। सर स्टूडेंट्स बसें जला रहे हैं, रास्तों को जाम कर रहे हैं, ट्रेनें रोक रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं, लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस छोड़े, शूट एंड साइट का ऑर्डर देने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। नागा नागा पुलिस वाले गोली चलाओ बड़े, 10 छात्र मर गए। सर अगर आप लोगों ने फायरिंग नहीं रोकी तो आत्महत्या कर लेंगे, यह बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। राजू दिमाग खराब हो गया क्या? पगला गया क्या तू? ये सब तू क्या कर रहा है? अब यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए आप। हम ना जाए। ए राजू राजू छोड़, अगर तू नहीं गया तो हम आत्महत्या करेंगे। पापा चलो छोड़ा छोड़ा हमके। पापा पकड़ा इसको। हम आत्महत्या कर रहा हूँ। नहीं पापा छोड़ो पापा, पापा नहीं सर मुझे छोड़िए। चलो पापा ले चलो पकड़ो उसको। नहीं छोड़िए। ये क्या कर दिया तुमने? हाँ कहे थे कि नागा को मारूंगा, बाकी ओके बाप को मार डाले। वो मरेगा तो युवा बिगड़ जाएंगे, लाइन ऑर्डर में प्रॉब्लम होगी, फिर सीएम को बदल देंगे सोचा था। छे उको मारने के लिए तो ट्राई किया था सर, गलती से उका बाप मर गया। जो हो गया सो हो गया, तुम संभाल कर रहना। ओके अगर ये बात पता चली तो तुमको नहीं छोड़ेगा। ठीक है सर, मैं डेफिनेटली करूंगा। ओके सर। ठीक है सर। नमस्ते सर।
सर हम लोग यहाँ नागा का बेल करवाने के लिए आए। उसको जमानत पर नहीं छोड़ सकता। नागा यूथ लीडर है, ये बात सीएम को पता चलेगा तो क्या होगा पता है? जानता हूँ बेटा, अभी सीएम ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने मना कर दिया। सर उसके पिता का अंतिम संस्कार करना है, दूसरा कोई नहीं है सर। नहीं नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। नागराजू की वजह से बहुत सारे बेगुनाह स्टूडेंट्स मारे गए हैं। कोर्ट में सबमिट करने तक हम इसे नहीं छोड़ सकते। जाओ तुम लोग। राजू को सूर्यदेव नागराजू। छात्र नेता का कुछ जिम्मेदारी होता है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही के वजह से कई बेगुनाह छात्रों का जान चला गया है। उसके वजह तुम हो, ये आरोप तुम पर है। तुमको सफाई में कुछ कहना है? इसकी वजह मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री के आदेश की वजह से ही हमने ऐसा किया है, लेकिन इतना लोगों की जान चली जाएगी, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था जज साहब। मुख्यमंत्री जी सच में ही करने के लिए कहे थे? आपके इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे जज साहब, मुख्यमंत्री देंगे। नागा को अदालत आरोपी नागराज को और उसके साथियों को 10 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश देती है और मुख्यमंत्री के खिलाफ सम्मन जारी करती है। नागा को रोको उन सबके। स्टूडेंट लीडर नागा को सर, नागा के रिहाई करवावे खातिर स्टेट के सारे स्टूडेंट्स यूनियन आंदोलन कर रहे हैं सर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नागा की गिरफ्तारी को लेकर ऑपोजिशन पार्टी वाले बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं सर। उनको जमानत पे रिहा करवा के हमरा पास लेकर आएंगे। तुमको देख के गर्व होता था। आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये बात पर हमको भी बड़ा फख्र था सर। हम सोचे रहे युवाओं के तुम आदर्श बनोगे, और हमने सोचा था कि आप युवाओं के लिए आशा की किरण हैं। एका, इतने से जवाब काहे दे रहे हो? कोर्ट भी आरोपी को ई इजाजत देता है कि वो अपने सवालों का जवाब पा सके। लीडर बना दिया तो तुमको घमंड आ गया? जेल होकर आया हूँ सर, वहाँ का अनाज खाते ही या नहीं सर, यहाँ चल रहा है। काहे खातिर? गलती तो तुमने की थी ना। करवाने वाले तो आप ही थे ना सर। हम कराए थे, जगदीश ने हमसे कहा था कि आपने करने के लिए कहा है। तुमने कहा था? कहा था सर।
हमने ऐसा कब कहा था? हम कहत रहे ई खातिर कि हमारे पसंदीदा सीएम की जान बच जाए। तो कई खातिर झूठ बोलोगे? आई एम सॉरी सर। तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? हमारा कैरेक्टर नहीं जानते? तुम जानते हो अब तुम्हारा भविष्य का क्या होगा? का भी हमारा कोई भविष्य है सर? अपने पिता को खो दिया मैंने, आखिरी समय में उनकी शक्ल तक नहीं देख पाए, और अब बिना सिंदूर के अपनी माँ को हम कैसे देखेंगे सर? कैसे देखेंगे हम? कन्यादान के लिए हमारे पिताजी काहे नहीं है? हमारी बहन पूछेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे सर? क्या जवाब देंगे? हमारे पिताजी हमसे कह कह के थक गए कि मत करो पॉलिटिक्स, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और उसी ने हमारे पिता को हमसे छीन लिया। अब और नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा। हम आपसे और इस पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। हमें नहीं चाहिए सर, हमको आम जिंदगी जीने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर। बेटी, लड़का वाले आपके यहाँ रिश्ता करने से मना कर दिए। आपका बेटा अरेस्ट हो गया है, कृष्णमूर्ति जी नहीं रहे, ऐसा घर में वो लोग रिश्ता नहीं करना चाहते। वो लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे, इसीलिए ये थाली हमारे हाथ से भेजे हैं। हम चलते हैं। नमस्कार कृष्णमूर्ति जी। नमस्कार कृष्णमूर्ति जी, तुम्हारा बेटा वकील कब बनेगा? बस एक साल और बचे हैं। से बात करो ना माँ, तुम्हारी चुप्पी हम सह नहीं सकते माँ, हमसे बात करो ना माँ, मार लो हमें पर हमसे बात करो। तुमने काहे को हमें जन्म दिया? हमें इस परिवार में पैदा नहीं होना चाहिए था माँ, इस परिवार को बर्बाद कर दिया हमने माँ। पिताजी के मौत के कारण हमें माँ, हमने मार दिया उन्हें माँ। हमें मारो, हमें जान से मार दो माँ, हमें जान से मार दो माँ, हमें मार दो, हमें जान से मार दो माँ। तू अपराधी ना है बेटा, ना है तू अपराधी। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तूने। नमस्ते माँ जी। क्या बात है बोलो? एक कृष्णमूर्ति जी का बेटा आपके साथ आया ना, तो तब है पता चल गया। देखिए माँ जी, अच्छा होगा हम अंदर चल के बात करें। तुम हमारे कहाँ लगते हो जो अंदर चल के बात करें? माँ जी, हमारी गलती की सजा हमारी बहन को मत दीजिए, वो बिचारी बहुत अच्छी है। कहाँ से अच्छी है? सगाई करते ही तुम्हारा बाप मर गया और तुम जेल चले गए, ये अच्छी है? अगर हमारा बेटा तुम्हारी बहन से शादी कर लेता तो पता नहीं काका हो जाता। देखिए माँ जी, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, मेहरबानी करके शादी को यही से मत जोड़िए। मतलब तुम रो धोकर पैर पकड़ लोगे और हम मान जाएंगे, यही समझा तुमने? पैर पकड़ने की मेरी आदत नहीं है। अच्छा, तो क्या कर लोगे तुम? हाँ पंडित जी। बेटा, केवल शादी कराना जानते हैं या ज्योतिष भी जानते हैं आप? ज्योतिष का काम ही करता हूँ बेटा। तो फिर जरा ये बताइए, लड़के की माँ का मर्डर हम करेंगे, ये हमारी किस्मत में या हाथ की लकीरों में लिखा तो नहीं है? ऑलरेडी लोगों को मार चुका हूँ, जेल का खाना खा चुका हूँ, हिसाब में एक का मतलब एक ही होता है। एक मर्डर करो या 100 मर्डर करो, सजा एक ही बार मिलेगी। इसीलिए आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे हम लग्न पत्र का लिखवाने के लिए आ रहे हैं। वेंकटेश्वर मंदिर में अगर कल शादी नहीं हुई तो हमरे ये दोनों हाथ खुल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा हम भी नहीं जानते।
भैया हमरे घर आए थे का? तू का उससे बात कर रही है? अगर इसके साथ इसकी बहन की शादी नहीं किए तो हमको मार देगा ये। अगर इनके बहन से शादी ना हुई ना माई तो हमारी तुमको मार देंगे। हाँ? ये तू का बोल रही है रे? उस दिन सगाई में आते वक्त जो एक्सीडेंट हुआ रहा उस दिन हॉस्पिटल ले जाने वाला यही इंसान था। अगर उस दिन ये नहीं होते तो आज हमारा पति हमारा बच्चा और हम नहीं होते। इनसे संबंध जोड़ना हमारे लिए भगवान से संबंध जोड़ने जैसा है माई। थैंक यू बहन, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नागराजू हम तो हार बहन से शादी जरूर करब, हमार माई माने चाहे ना माने, तो हर धमकी की वजह से नहीं तो हर इंसानियत की वजह से। ओम सुमभ्राज नमः, ओम एकदंताज नमः, ओम कपिलाज नमः, ओम गजगन्निकाज नमः, ओम लंबोदराज नमः, मांगल्य देवताज नमः, सुमंगली का कुछ सोच रहे हो शादी के बारे में? कहा देखो देर कर दोगे तो हम बाद में नहीं मिलेंगे। क्या कहा? हमरे जीजू हमरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उके बाद तुम्हारी मर्जी। हम भी देखते हैं तुम्हारे जैसे नकबही से शादी करने कौन आता है। कोई भी आ गया ना तो फिर वापस नहीं जाएगा। क्या करोगे? असल में गेंडा से शादी करेंगे तब ना। कहा? तेरी तो अंदर नहीं आओगे का? जब तुम्हारे पिताजी शादी तय करेंगे तब आऊंगा। ईका दीदी सुबह सुबह का लेके बैठी हो? सफाई करने का रोज सोचते थे, टाइम आज मिला है। सुहासिनी हाँ? तो वो नागराजू के साथ कहाँ घूम रही हो? बचपन में घोड़ा घोड़ा खेल में उसका पीठ पर घूमते थे, अभी उसका बाइक पे घूम रहे हैं। उसके साथ घूमेगी तो हमारी इज्जत का होगा? ई में इज्जत घटने का क्या बात है? अब तू शादी के लायक होगी बड़ो, उकरा साथे घूमना फिरना बंद कर दो। ये कहने के लिए तुम कौन हो? तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारा सही गलत हम ही देखेंगे ना। कहे कि तू हमारी दूसरी जोरू बनने वाली हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमसे शादी करेगा? तुम्हारी बहन से शादी किए हुए 10 साल हो गए लेकिन अभी तक तो कोनो बच्चा नहीं हुआ, और डॉक्टर बोल दिया है इनका बच्चा नहीं होगा। तुमसे शादी करने का सलाह तुम्हारी बहन ने ही दिया है। करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ, किसी और से शादी काहे करूं? जब इतनी सुंदर साली बैठी है तो इसके लिए तुम्हारी बहन भी राजी है। दूसरी शादी के लिए तुम्हारी पत्नी राजी होगी, बाकी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए हम राजी नहीं हैं। तो फिर तुम क्या करोगी? हम लॉ पढ़ रहे हैं, ई होशियारी हम पर नहीं चलेगी। अगर बच्चा से इतना लगाव है तो कोई बच्चा गोद ले लो। खबरदार दूसर शादी के बारे में सोचना भी नहीं। इसके लिए दीदी हाँ कह सकती है, बाकी हम नहीं। बी केयरफुल। अंकल जी कहाँ तक पहुँचा काम? अरे बेटा तुम अपनी बहन की शादी करा के पिता की कमी को पूरा किए, अब अपनी भी शादी कर लेते तो हमको बहुत ही खुशी होती। इतनी जल्दी नहीं करूँगा अंकल, अभी डिग्री पूरी करनी है और अभी तो ये भी काफी छोटी है। मतलब हम छोटी हैं तो हमसे शादी नहीं करोगे? ठीक है हम किसी और से कर लेंगे। नग भाई किसी और से शादी करोगी? हाँ बताए तुम्हें, तोड़ देंगे तुम्हारी। शादी के कैसेट में झगड़ा कैसे? लगता है पुरान कैसेट में रिकॉर्डिंग की है। तू नहीं गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। पापा क्या कर रहे हैं? पापा छोड़ दीजिए, पापा नहीं, पापा पापा ऐसा मत करिए, पापा पापा नहीं, पापा पापा छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? नहीं
लोग कहाँ जा रहे हो? जगदीश कहाँ है? होम मिनिस्टर के घर गए हैं। संभाल के हैंडल करना। ओके ठीक है सर। नागा यहाँ आया है। जगदीश, नागा के आवे से पहले तुम जाओ यहाँ से। हाँ। आवा नागा, आवा आवा आवा। सुना है सीएम तुम्हारी राजनीति को प्रणाम करके चले गए। भाई तुम उगने वाले सूरज हो, अगर तुम डूब गए तो राजनीति को ग्रहण लग जाएगा। ये अपने पिता के मौत के गम में है सर। हाँ, अरे रे, ये तो हम भूलिए गए थे। हम उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। हाँ? जगदीश कहाँ है? कहाँ है? हमारे पिताजी को मारा है उसने। प्रूफ का है? जिस तरह से हमारे पिताजी को आग लगा के मारा है, उसी तरह उसको मार कर तुम्हारे सामने प्रूफ लेके आएंगे। किसको धमकी दे रहा है? ऐसे कायर लीडर की छत्रछाया में स्टूडेंट की इज्जत खराब करने वाले तू तो बोल ही मत। हमसे ऊंची आवाज में बात की ना तो ससुर के नाती तुमको यही छठी का दूध याद दिला देंगे। तुम यहाँ के होम मिनिस्टर से बात कर रहे हो? तेरे दाहिने तरफ गुंडे खड़े हैं, बाएं तरफ गुंडे खड़े हैं। आम आदमी का वोट पाने के लिए तू उनको दारू का लालच देता है और फिर उनके मुंह पे पैसे मार के उन्हीं को गुंडा बना देता है। खुद को होम मिनिस्टर कहता है? तू हमके नहीं जानता है। सिक्योरिटी के बिना 1 सेंटीमीटर तक नहीं हिल सकता है तू। तू हमरा का बिगाड़ेगा? वो आदमी को मारने का हम फैसला करके आए हैं। अगर तू बीच में आया ना तो फिर तू भी जिंदा नहीं बचेगा। ए जगदीश, छोड़ा। नमस्ते सर।
नमस्ते सर, हमारा फ्रेंड नागराजू दिखाई नहीं दे रहा है। पता चला कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। नागा के? हाँ सर, उस स्टूडेंट लीडर नागराजू के। तो हम अरेस्ट नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं सर। ए, अंदर डालूगा। हाँ, अंदर डालिए ना। बहस मत करो, हम लोग चलते हैं सर। चलो तुमको मिला का? नहीं यार, सब जगह पूछ लिया। अरे हम क्या कहते हैं कि पुलिस वालों ने ही कुछ किया होगा। आप चली। सर, ये नागराजू के माई और बहन है। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। सर, एक हफ्ता से हमारा बेटा गायब हो गया है। पता चला पुलिस लेके गई। पुलिस स्टेशन में पूछा तो कहते हैं उनको पता नहीं हमारा बेटा कहाँ है। हमको डर लग रहा है सर, हम तो अपने पति को खो दिए। आपके लिए उसके मन में बहुत सम्मान है, आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है सर। जब आप अनशन पे बैठे थे तो उसने पूरे 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। उसको कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी सर, मैं मर जाऊंगी। सर, हमारे भाई को हमें लौटा दीजिए, हम शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। चिंता मत कीजिए बहन, आज नागराजू की कोर्ट में हाजिरी है। वो चाहे जहाँ भी हो उसको ढूंढवा के रहेंगे हम। उनको कुछ भी नहीं होगा, आप डरिए मत, हम वादा करते हैं। सूर्य देवा नागराजू। शहर में जान माल का नुकसान हुआ, उसका कारण आप हैं। नागराजू ने कोर्ट में सबके सामने ही बयान दिया है। इतना ही नहीं, बेल दिलाकर आप ही उसको रिहा करवाए, फिर भी वो कोर्ट में हाजिरी देने नहीं आया। वो का हुआ पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ कुछ गलत किए हों? ये हमारे वकील का कहना है। इसका कोनो जवाब आपके पास है? हम एक सावधान बतावा था नहीं, सीएम के रिजाइन करे के ही पड़ी। सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय। अदालत आज के लिए मुल्तवी की जाती है। सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय। आज शासन सभा के प्रतिपक्ष के नेता सीएम पे नाराज हो गए। विद्यार्थियों के नेता नागराजू के कोर्ट में हाजिरी ना देने के कारण मुख्यमंत्री चंद्रशेखर नायडू ही हैं, इसलिए उनसे इस्तीफा देने की डिमांड भी उन्होंने की। स्पीकर ने सभा को 3 बार टर्मिनेट किया है, तो विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना ही होगा, इसलिए ओरियन के सामने प्रस्ताव रखा है। आपका इस्तीफा मंजूर करना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। एनीवे, जब तक नया मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक आपात मुख्यमंत्री पद संभालने का हम निवेदन करते हैं। ठीक है सर। नमस्ते जी। नमस्ते, आई बैठी। हाँ, आप बोला। हमारी पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं ये तो आप जानत ही हैं। असेंबली को रद्द करके चुनाव करे के नौबत ना आए, एकर हम बंदोबस्त करत हैं। ये लीजिए हमारे सपोर्टर्स की लिस्ट। हमार और हमार पार्टी के 19 MLA का सपोर्ट इनके खातिर फ्री है, ये देखिए। सपोर्ट के कभी फ्री ना, बेशर्त कहे के चाहिए। सिर्फ ऐसा लिस्ट देवल काफी ना है, सरकार बनावे खातिर कम से कम 148 MLA लोग का जरूरत होता है, ये तो आप जानत है। ये शर्त आप पूरा कर दीजिए। ठीक है सर, अभी से काम पर लग जाते हैं। हेलो, कैसन हो बेटी? अच्छी हूँ पिताजी, का हुआ, ऐसे काहे बोल रहे हैं? सर्दी हुआ है का? हाँ बिटिया, माँ देवी पर एगो सीरियल स्टार्ट हो रहा है, उसके एगो सिचुएशन के लिए हमको चुना गया है, वो खातिर हम तुमसे सलाह लेना चाहते हैं। सिचुएशन क्या है पापा? उमे एगो पिता और बेटी की कहानी है। बेटी का पति पिता के जिगरी दोस्त की हत्या करता है। ये बात पिता को पता चलती है
तुम बताओ ये बात कानून को बताएं कि ना? कहा पापा, ये बात तो बताना ही चाहिए। बताने पर उसका सुहाग उजड़ सकता है। गलत है पापा, बेटी के सुहाग के बारे में सोचेंगे तो वो हत्यारा बच जाएगा पापा, और ऊपर से उसने हत्या किया है पिता के जिगरी दोस्त का। खून के रिश्ते से बड़ा दोस्ती का रिश्ता होता है पापा। उसको कानून के हवाले करना ही चाहिए। थैंक्स बिटिया, तुम्हारी सलाह खातिर। ऐसे का दिख रही हो, हमको भी लगाओ। ये सब कहा है बिटिया? अपना पति के लिए सुहासनी का रिश्ता मांगने आए हैं पापा। एगो पत्नी अपना पति का दूसरा शादी बर्दाश्त नहीं करती, फिर भी हम अपनी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं पापा। दीदी तुम पगला गई हो का? तुम प्यार से मांगो चाहे हाथ जोड़ के मांगो, ये हरगिज नहीं होगा। तो मेरे मरने के बाद भी तुम इस शादी से इनकार करोगी का? दीदी तुम अपना पति के बारे में नहीं जानती, वो एगो हत्यारा। सुहासनी आगे कुछ मत कहना, तुमको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, जरा सी बात के लिए अपने जीजा को हत्यारा कहती हो। बहन के अधिकार से तुम मार सकती हो, पर हत्यारा के पत्नी के अधिकार से ना। सीएम साहब कोई बारे में बताने और सबूत देने के लिए निकल ही रहे थे तभी तुम आ गई। उस सीरियल में बेटी के सुहाग के बारे में सोचने वाला भागा पिता हम ही है। हमारी बात पर भरोसा ना हो तो खुदे चल कर देख लो। आओ बेटी। देखा बिटिया, ससुर जी, ससुर जी, लक्ष्मी का हमारे साथ ब्याह करे के बाद हमारे पैर पूजे थे, अब हम अपन आंसुओं से आपके पैर धोएंगे। बस ये कैसेट हमारा दे दी। सॉरी, नहीं दे सकते। सॉरी ससुर जी, ससुर जी, भगवान ने हमारा ये खातिर पैदा किया है कि हम आपकी दूसरी बेटी से भी शादी करेंगे, ये खातिर ना कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। प्लीज ना, ये कैसेट हमको दे दीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं ना। नहीं कह रहा ना, ये कैसेट हमको दे दीजिए। नहीं देंगे, हमको दे दीजिए ये कैसेट। अरे हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। पापा, डैडी, डैडी, उठे ना, क्या हुआ? डैडी, सुहासनी। हे भगवान, हम तो पहले ही एक आदमी को मर लेते और अभी दूसरा मर्डर। अगर तू दोनों ने कुछ बताया तो हम दोनों को मार दूंगा, समझ गया? हम दोनों को जान से मार दूंगा, याद रखिए ये बात के, हम दोनों को मार दूंगा। सर, हमको नागा के अब जरूरत नहीं है, मार दा, फिर बाद में वो कर लाश के इस्तेमाल हम लोग कर ले लेंगे। ठीक है सर। अरे देखते कहा हो, मार दो कर के।
कौनो भी हाल में नागा को पत्रकार लोगन से ना मिलने देना। ओके सर। वो हम लोगन के कस्टडी में ही रहे के चाहिए। ओके सर। अगर भागे की कोशिश करे तो गोली मार देना। समझ गया सर। उड़ा सर, नागा अस्पताल से भाग गई। तुम लोग एको काम करो। यस सर। जाओ जाकर नदी में डूब के मर जाओ। ठीक है सर। सर इडियट। थैंक यू सर। शहर को अलर्ट कर दो। ठीक है सर। बी केयरफुल। चला गया था तू यार, हम लोग बहुत डर गए थे, कहे तुमको कुछ हो ना गया हो। हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे रे। मम्मी और बहन कैसी है? वो अच्छी है यार, लेकिन सुहासिनी के पिताजी को उस जगदीश ने मार दिया। सुहासिनी और उसके बहन को घर में बंद कर दिया है। नागा, तुम्हारा कोर्ट ना जाने की वजह से वो लोग सीएम साहब पे दबाव बने ले रहन और बोले रहन कि सीएम साहब का इस्तीफा चाहिए, और सीएम साहब इस्तीफा दे दिए। हम लोगों से गलती हो गई भाई, सीएम साहब के आमरण अनशन को डिस्टर्ब करने के लिए हम लोगों को गुमराह किया और वो कामयाब भी हो गए। उन लोगों ने हमारी भावनाओं का फायदा उठाया और सीएम साहब के अनशन को हमसे ही तोड़वा दिया। पर भाई अब जो करना है हमको करना है,
उन्हें मेरे नाम का FIR नहीं करवाया होगा, इसलिए हमको देखते ही डेफिनेटली हमको गोली मार देंगे। ए, पहले हमको अग्रिम जमानत लेनी पड़ेगी और उनके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। भाई तुम बोलो क्या करना है, तुम्हारे लिए हम जान भी दे सकते हैं। हाँ यार। डोंट वरी सर, सारा सिटी को अलर्ट पे डाल दिया है और पुलिस वालों के सारा जगह खड़ा कर दिया है, चाहे वो किसी भी भेस में आए हम उनका पकड़ के रहेंगे, वो बच नहीं पाएगा। हे, हे तुम, नागा पकड़ोगे, कम ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जा। साहब मेरे लोग होम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा है। नागा, इतना दिन से तू कहां रहा? मुझे माफ कर दीजिए सर, हमारी नादानी के कारण आपकी कुर्सी चली गई। हम कोर्ट में जाके जज साहब को सब सच बता देंगे। हम कुर्सी खातिर तड़पने वाले नहीं है नागा, ये राजनीति एगो वैकुंठ लोक है। हम सांप के मुंह में जा चुके हैं और वहां सीढ़ी भी चढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री बने खातिर 150 MLA अपोजिट पार्टी ने खरीद लिए हैं। खरीद लिए? लेकिन मुख्यमंत्री तो आप है ना सर? हाँ है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपातकालीन मुख्यमंत्री। सब पुलिस और ऑफिसर उनके घर के सामने बैठ के पहरा दे रहे हैं। दिन रात आपकी पूजा करने वाले MLA उनको कैसे सपोर्ट देंगे सर? बिक चुके हैं वो लोग। तो मार्केट जाओगे तो 1 किलो बैंगन पूरे सीजन में तुमको एक ही दाम में मिलेगा, पर इन नेताओं का रेट हमेशा बदलता ही रहता है। सर वो इसलिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर हम अच्छों के लिए अच्छे और बुरों के लिए बहुत बुरे हैं सर। या तो हम कुछ शुरू नहीं करते हैं, पर शुरू कर दिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सर हमको एक मौका दे के तो देखिए, उन सारे MLA लोगों को गवर्नर के साथ आपके सपोर्ट में खड़ा करके रहेंगे। तुम जवान हो, ये सब बात गुस्से में कह रहे हो। गुस्से में आकर बोलने वाली बात नहीं है सर, आज का हर स्टूडेंट आपके साथ खड़ा है, आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है सर। परिवार के लिए मरने से, जात के लिए मरने से और अपने आप के लिए मरने से राष्ट्र के लिए मरना कहीं बेहतर होगा सर। जगदीश यूथ, जबरदस्ती सुहासनी से शादी कर लेगा। पर इस वक्त वो जगदीश कहाँ है? होम मिनिस्टर से मिलकर MLA को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसके पहले हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, उनका धोखा से कमाया हुआ सारा कमाई बैंक में हमारे नाम से है। हाँ। एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए। हाँ। रुको, वो सबको कहाँ ले जाता रहो?
सीक्रेट मैरिज। इससे पहले कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमें सीएम हाउस पहुँचना है। जगदीश भाई की काहे में काबा, यहाँ तो नॉन वेज है वहाँ तो वेज है। और पीए में काबा। अरे पहले हमको जाने दो, हटो। हेलो। अरे तू लोग सब कहाँ मर गए थे, इतना देर से कहाँ फोन उठाए? मैडम कहाँ है? वो तो आपके पास गई है। हमारे पास? वो की हिफाजत करने बोला तो हमारे पास आई है, बोल रहा तू? जगदीश यूथ के नाम से बहुत सारे लड़कों को आपने भेजा था ना। जगदीश यूथ उकरा के कहाँ ले गए? होम मिनिस्टर के घर। होम मिनिस्टर के घर? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की रौनक काहे बदल गई? वो नागा हमारे घर पे आकर हमारी बीबी और साली को लेकर गया। अरे वाह, हम यहाँ पार्टी बदलने के बारे में सोच रहे हैं और तू पहले ही पार्टी बदल लिए। सर मजाक मत कीजिए, एमएलए को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो हमने बीबी के नाम से बैंक लॉकर में रखा है। चुप रहा, तू बैंक में फोन करा। हेलो, हम जगदीश बोल रहे हैं। नमस्ते सर। घंटे भर में हम अपनी बीबी को लेकर आएंगे, आप रहेंगे ना? सर वो यहाँ पर आई थी। वो वहाँ पर आई थी? हाँ सर, वो एक जवान लड़का के साथ आई रही। किसी लड़का के साथ आई थी? ओके ओके। धनलक्ष्मी आउट। हेलो, हम जगदीश बोल रहे हैं, हमारी बीबी वहाँ आई तो उसको रुकने के लिए बोलेगा। अभी आपके मैसेज आकर सारा पैसा लेके गई। आंध्रा बैंक, हम जगदीश बात कर रहे हैं, जरा मैनेजर को फोन दीजिए। नमस्ते सर। कुछ नहीं, अगर हमारी बीबी वहाँ आए तो उसे लॉकर मत खोलने दीजिएगा जब तक हम ना आए। यही क्या बोल रहे हो, जिसका लॉकर वही खोलने से रोक रहा है। राजनीति माने भी लेकिन राजयज्ञ नहीं मानेगा। कहा वो पहले ही लॉकर खोल दी? आखिरी लॉकर भी आओ भैया। अब आपका अगला कदम का होगा जम्प। काशी भाई है? आपको राजनीति का बहुत ही अनुभव है, ऐसा स्थिति में एक बढ़िया सलाह दीजिए। वेरी सिंपल, तुम्हारे पास पैसा नहीं बात पता चलने से पहले सारा एमएलओ लोग को हम छुपा दें, फिर प्रमाण स्वीकार करने के बाद उस सबको आजाद कर देना। थैंक्स, ये तो अद्भुत सलाह है। जगदीश चला। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया काशी जी, पहले कहा जंप करो फिर सलाह दे दी। बेटे मुझ जैसे राजकीय नेता को गिरगिट कहा जाता है। दीवार पर चिपकल छिपकल। सही कहा, अगर उनागा ने सारा एमएलए को खरीद लिया तो हम वहाँ जंप हो जाऊंगा। अगर कहीं होम मिनिस्टर ने उस सब एमएलए को पकड़ लिया वहां तो वहाँ जंप। इसी को कम अनुभव कहते हैं, इसे जंप नहीं केम कहते हैं। महाप्रभु एक बार अपने चरण दिखाइए। गलती से भी हम अपन पैर खींचे का मौका किसी को नहीं देता हूँ। बैंड बजा दिए ना फुल। हेलो, हम राजकीय नेता काशीराम बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
नागा। का बेटा कैसा हो? अपने सीएम को फिर से सीएम बनाने के लिए हमको आपकी मदद चाहिए। काका हमारा मदद? तुम तो ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांगा जाता है। हमको का समझ रहे हो तुम? हम उंगली उठाई तो पूरा स्टेट की राजनीति लट्टू की तरह घूम जाता है। हो सकता है, लेकिन आपकी पॉलिसी तो फ्री है ना? सपोर्ट तो फ्री में नहीं हो सकता है ना। तुम्हारे यहाँ के 32 एमएलए होम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करने चाहिए। बताओ कितना माल चाहिए? का है, एक एक एमएलए के 50 लाख के हिसाब से 16 करोड़ होता है। 1 करोड़ हमारा, इसलिए 17 करोड़। ठीक बा? ठीक है, मिल जाएगा। पर अगर अपनी जुबान से पलट गए ना तो गर्दन पर सर सलामत नहीं बचेगा, ये वादा है। हम एक एक पॉलिटिशियन के हम खरीद लूंगा, ये हमारा तुमसे वादा है। अगर हमका पैसा मिल गया तो हम अपन जबान से पीछे नहीं हटूंगा। हम पक्का तुमको सपोर्ट करूंगा, रखता हूँ। क्या भैया, माइक हाथ में आते ही उसको केक की तरह खा जाते हो? तो फिर बच्चे के हाथों कैसे बिक गए? अरे बच्चा हुआ तो क्या हुआ, अगर हमको मोटा रकम मिलता है तो हमें बिक जाने में का हरज है। काशी भाई, काशी भाई, आइए आइए आइए। का हुआ, ऐसे परेशान काहे दिख रहे हैं? अरे का हुआ, हमारा सारा एमएलए मर गए का? अरे सुने में ये आया है कि आपके सभी एमएलए बिक गए हैं। देखो हमारे एमएलए 17 करोड़ में बिक गए। हाँ, वो का है कि हम अपन सपोर्ट तो नागा को ही देंगे, का है कि हम लोग बिक गए हैं ना उनके हाथ। 70 करोड़ की जनता का प्यार हम ठुकरा नहीं सकते हैं ना, और पैसा हमको खरीद नहीं सकता है। देखा, तू नंदी हिल जा और सारा एमएलए के सुरक्षित रखा, और हम यहाँ बैठ के आराम करूंगा। चलो अब तुम जाओ। इस सुन के हम बहुत खुश हुए, हमको आप पर विश्वास है। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेताजी, आप तो उससे पैसा लेने वाले थे, पर इसको अभी आपने बताया कि आप बिकाऊ नहीं है। वो कहा है कि हम सच्चाई के साथ में रहे तो ही ठीक है। विश्वास बहुत खतरनाक होता है राजनायिक का, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ही रियलाइज होता है। अरे स्टूडेंट आ रहे हैं, चलो भागा। अरे चलो भागा, 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 चलो। ए रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे बस भर के स्टूडेंट्स आए हैं, हमको मार देंगे। चलो ए रुको, ए रुको। अरे निकले लोग, हाँ इन लोग कहाँ से आ गए? अरे पता नहीं कहाँ से आ गए। अरे रुक जाइए, घबराइए मत, हम लोग आपसे लड़ने नहीं, मिलने आए हैं। तुम लोगों ने नेताओं पर हमला किया है, याद रखना ये बात, हम असेंबली में कहेंगे। अरे जब हम तुम लोगों का असेंबली पहुंचने देंगे तब ना बोलोगे। तुम लोग क्या कर लोगे? हम क्या करेंगे, तुम्हारे डिसीजन पे निर्भर करता है। ऐसा लेते हुए शर्म नहीं आती का? दहेज लेवे में तुम लोगों के शर्म नहीं आती? चाचा जी की तो हिस्ट्री बहुत ही तेज है। एकदम सही कहा। ठीक है ना भाई, वोटर हमको फ्री में मिल जाते हैं का? वोट के बदले में नोट मांगते हैं नोट, और औरतें साड़ी मांगती हैं। धार्मिक लोग मंदिर मस्जिद बनाने को कहते हैं, और एमएलए बनने के लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो कौन देगा? ठीक है हम देंगे, तुमको ही पैसा चाहिए ना, हम देंगे तुमको। ए बैग निकाल, ले ले सब ले ले। कागज को इंसान ने जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बनाया है, इन कागजों के लिए एक बहन की इज्जत लूटी जाती है, डॉक्टर अपने पैसे को बेच देता है, एक वकील सच्चाई को बेच देता है, और एक राजनीतिक नेता अपना ईमान तक बेच देता है। क्रिकेट के खेल में मैच फिक्सिंग होती है तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है, लेकिन तुम चाहे कितने भी राजनेताओं को फिक्स कर लो, चाहे कितने भी मुख्यमंत्री को फिक्स कर लो, कोई हैरान नहीं होता है। उसको तुम जन्मसिद्ध अधिकार समझते हो, जैसे अग्नि को साक्षी मानकर अपने जीवन साथी के साथ बेवफाई करना गलत है, उसी तरह पार्टी की शपथ लेने के बाद पैसों के लिए पार्टी के साथ गद्दारी करना भी गलत है। ये देश में मर्डर के लिए सजा है, रेप के लिए भी सजा है, लेकिन पार्टी बदलने के लिए कोई सजा नहीं है। और अगर कोई सवाल करता है तो कहते हैं मतभेदों के कारण पार्टी से निकाल दिया गया है। तुम लोग किसी और से झूठ नहीं कहते, खुद से झूठ कहते हो। तुम्हारी वजह से ही हम राजनीति में आए थे, अरे अपने पापा तक को खो दिया, पर तेरी तरह पैसों के लिए बिक नहीं गया हूँ। तू शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ए सब लोग कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो, तुम लोग ही पैसा लो या ना लो ये है तुम्हारी मर्जी, पर पुराने सीएम साहब ही सीएम बनेंगे ये है हमारी मर्जी। अगर किसी ने भी खिलाफत की तो उसके टुकड़े करके नाली में बहा देंगे, पता तक नहीं चलेगा, और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसको ढूंढ कर ऐसा पेलेंगे ना, याद रखेगा। सर वो नागा आया था और सारे एमएलए को लेके चला गया सर।
तुम लोगों को मिलेगा वो लोग? अरे कौनो नहीं मिला। अरे तो ऊ बस में देख। अरे उधर भी नहीं है। नहीं है? हाँ चलो आओ। चला सर, बस में कोई एमएलए नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं। वो नागा हमका धोखा दिया है। छह घोड़े तेरे, छह घोड़े मेरे, बारह घोड़ों का रथ हमारा, बारह घोड़ों का रथ हमारा, बारह घोड़ों का रथ हमारा। रथ में बैठी राजकुमारी, रथ में बैठी राजकुमारी, 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 राजकुमारी। एमएलए सब कहाँ गए? अरे कहाँ गए रे? नागा नागा, मेरे सब दिखाई नहीं दे रहा है। कितना बेवकूफ है नागा, हम लोग पर विश्वास कर लिया हो। सही कहा तुमने। कोई मिला का? आ, इधर नहीं है। नहीं, इधर भी नहीं है। अरे इधर भी नहीं है। ट्रेन में बॉम्ब फिट कर दिया है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। बता हमें बॉम्ब कहाँ छुपा रखा है, बोल, जवाब दे। नहीं बताएंगे। जवाब दे, जवाब दे, बता बॉम्ब कहाँ छुपा रखा है, नहीं तो जान से मार देंगे, बोल। बता
बड़ा बम का रखा है। बोल, जवाब दे, जान से मार दूंगा। बोल, बोल। पता नहीं तो जान से जाएगा। बोल, मुंह खोल। कहाँ है बम? दूसरा बम कहाँ है? ये सबको हुआ लेना होगा। बम वहाँ पर जो पतला रखा है, दे जल्दी। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। बेबी, सामान रख के कहाँ भाग रही हो? शहर बदलने से पाप पीछा नहीं छोड़ते हैं मैडम जी। तुम्हारा चरण धरत ही सरकार गिरती है। पेंड बजा दिया ना अच्छे से। हमरा नाम के चंद्रशेखर नायडू। कोर्ट की सम्मति से भारत राज्य में निर्वाचित होकर पूरे विश्वास के साथ और ईमानदारी से हमेशा जनता की। हाथ का रेखा थोड़ा टेढ़ा हो गया यार। क्या हो गया? नहीं तो हमको वहाँ होना चाहिए था। नेताजी, ये मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आप कहे आए हैं समझ नहीं आ रहा। भगवान हर इंसान के एक ही चेहरा देता है ना? करेक्ट है। बाकी हम जैसे राजकीय नेता के दो चेहरा देता है। वो का है सर? एक चेहरा गिराने के लिए और एक चेहरा खड़ा करने के लिए। सेवा करे खातिर भगवान के साक्षी मानकर हम शपथ लेते हैं। हम ही जो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, इसका मुख्य कारण है नागराजू। वो देख, यही से उनको हम अपने मंत्रिमंडल में
एक बहुत ही खास डिपार्टमेंट सौंपते हैं। आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर नागा, कम टू द स्टेज। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको माफ कर दीजिए। आपने हमसे यहाँ के स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी लेने को कहा था, हमने वो पूरी की, पर अब अपने पापा की इच्छा के लिए हम लॉयर बनेंगे। राजनीति की हमारी उम्र नहीं है, उनके लिए हमको अनुभव चाहिए। हमसे बहुत अनुभवी लोग मौजूद हैं और उन लोगों को ये मौका मिलना चाहिए। हम सारे राजनेताओं से अनुरोध करना चाहते हैं, वादा करने की आप सब लोगों को आदत है, पर अब से ऐसा वादा ना कीजिएगा जो निभा ना पाए। लोगों के भरोसे पर खरे उतरिएगा। इस प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की उम्मीदें आप सबसे बंधी हुई हैं। सिर्फ जनगणमन गाने से इस देश को अपना नहीं माना जाता, बल्कि मन से मानना चाहिए। यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए आपको सच्चे और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। नमस्कार।